الرحمن الرحيم ونستعين الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد فضل الله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه إنا كفيناك المستهزئين हज़र निगरामी रबी अव्वल के मुनासबत से वसल्लम के सकूक़ आपके अहसानात आप के, के फ़ाइल और आपली व् के हूक़ जो हम उम्मती पर आयद होते हैं वो क्या क्या है हम लोग मालूम कर रहे हैं हजरन पैर नवी सल्ला वसम के हकूक़ में से हमने अब तक ये मालूम किए कि आप पर ईमान रखना आपकी इता फरमा बरदारी करना आपसे मोहब्बत करना आप जिनसे मोहब्बत जिन करते हैं उनसे मोहब्बत रखना आप आप् पर दरुद पढ़ना और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुलू ना करना आज हम लोग आखिरी हक़ में मालूम करेंगे कि प्यार नबी की तरफ़ से दिफा करना डिफ़ेंस करना ये भी उम्मती पर प्यार नबी का एक हक़ है कि नबी के ख़िलाफ़ जो एतराज़ात होते हैं उसका दिफा किया जाए नबी पर जो इल्ज़ाम तराशिया होती है उसका डिफेंस किया जाए उसका दिफा किया जाए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अगर कोई किसी तरह के बेबुनियाद बातें कहता है तो उन बुनियादों को बुनियादों की तरदीद होनी चाहिए अब सवाल ये पैदा होता है प्यार नबी सलम की तरफ से दिफा और डिफेंस कैसे हो किस तरीके से करना है हजरीन अभी मैंने आपके सामने सूरत हिजर की एक आयत पढ़ी है अल्लाह तबरक ने फरमाया फरमायाफना कल मुस्तहजीन नबी आप आपकी इंसल्ट करने वाले आपकी इस्तेहज़ा करने वाले आपकी तोहिन करने वालों से मैं काफ़ी हूँ अल्लाह ने ख़ुद कहा कि हम निमट लेंगे किनको नबी की तोहन करने वालों को अल्लाह ताला निमट लेगा अल्लाह ताला देख लेगा नबी की इंसल्ट करने वालों को अल्लाह ताला देख लेगा अल्लाह ताला निमट लेगा इन न काफैना कल मुस्तहजी अयनबी आपकी करने वाले आपकी तोहिन करने वाले आपकी शान में गुस्ताखी करने वालों को हम देख लेंगे अब नबी की तरफ से दिफा हमें करना है लेकिन कैसे करना है ये सवाल है प्यारे नबी अलैहि वसल्लम और साहबा इक्राम की सीरत में हमारे लिए नमूना है मक्के में प्यारे नबी अलैहि वसल्लम और साहबा इक्राम थे कमजोर थे मजबूर थे तदाद में ज़्यादा नहीं थे तो मक्के में प्यार नबी मुख्तलिफ तरह के इल्ज़ाम लगाए गए आप पर बेबुनियाद बातें कही गई आपली सल्म के रास्ते में काटे बिछाए गए प्यार नबी सल्ला व्ल् को सजदे की हालत में आप आप्म पर ओझड़िया डाली गई प्यार नबी सल वसल्लम को सजदे की हालत में आपके गले में चादर डाल के फंदा बनाकर मरोड़ा गया जिसकी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की का दम घुटने लगा आप सल्लल्लाहु अलैहि को मारा गया पीटा गया साहबा इक्राम को तड़पाया गया तरसाया गया शेब अबी तालीब में तीन साल समाजी बैकाट हुआ इतने पत्ते चबाए कि जानवरों की तरह फजलात होते थे इतनी सारी तकलीफें परेशानियां उनको उठानी पड़ी प्यारे अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक पर थोका गया आप वसल्लम पर पता नहीं अनाप शनाब इल्जाम धरे गए और एक बात याद रखिए कि हक परस्तों के साथ यह मामला हमेशा होगा हमेशा होगा कयामत की सुबह तक हक व बातिल की कशमकश रहेगी और बेबुनियाद इल्जाम लोग धरते रहेंगे बेबुनियाद इल्जाम लगाते रहेंगे लेकिन वह अपना मुंह अपनी मुंह की खाएंगे इन न कफैना कल मुस्तहजीन। अल्लाह तला ने कहा कि हम उनसे निमट लेंगे और खुद उनकी इंसल्ट उनकी इस्तेजा वो अपने खुद कर ले रहे हैं प्यार नबी सल्लाम के बारे में जो कुछ कहता है तो जाहिर सी बात है वो खुद अपनी खबर खोदता है अपने पैर में कुल्हाड़ी मार लेता है और अल्लाह तबरकाल कैसे पैर सल्लम के दिफा का इंतज़ाम किया है और करता है मैं आपको चंद वाकयात की रोशनी में बता देता हूं जब मक्की दौर में पैर सल्लम और साब इक्रम कमजोर थे तो अल्लाह ताला का यह वादा है कि मोमिन जब कमजोर होता है अल्लाह तरफ से दिफा करता है अल्लाह डिफेंस करता है इन अल्लाह आ मनू अल्लाह ने सराहज में फरमाया कि यकीन अल्लाह ताला अहले ईमान का दिफा करता है इन अल्लाह अनिल्दी आमन अल्लाह ताला अहले ईमान का दिफा करता है डिफेंस करता है हा नबी की तरफ से अहले ईमान की तरफ से अल्लाह ने कैसे दिफा किया देखो अबू लाहाब का बेटा अबूलहाब के दो बेटे पैर नबी वसल्लम की दो बेटियों से निकाह हुआ नबी बनने से पहले जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी बने नबोत का ऐलान किए अब उसके बाद बातिल परस्तों को बुरा लगा तो क्या हुआ कि प्यार नबी अलैहि वसल्लम की बेटियों को तलाक देने के लिए कहा और अबू अबोलहब का एक बेटा हद से गुजर के प्यारा नबी अलैहि वसल्लम के चेहरे पर थूक दिया अल्लाह ने वो थूक नबी के चेहरे तक पहुंचाया नहीं दिफा कर दिया लेकिन उसने थूका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदुआ की तो मोमिन को क्या करना चाहिए जब कमजोर हो दुआ का सहारा ले लो अल्लाह के हवाले करो अल्लाह देख लेगा दुआ का सहारा ले लो अल्लाह देख लेगा और जो वारिस ने उलामा है वारिस ने अंबिया हैं तो जाहिर सी बात है इनके भी खिलाफ लोग बहुत सारे पीछे पड़े रहेंगे हाथ धो धोके धो के भी अल्लाह देख लेगा जो दाई और मुबलिन है इस्लाम के लिए काम कर रहे हैं इनके पीछे लोग पड़े रहेंगे अल्लाह तला देख लेगा हमें क्या करना नेक बनना अल्लाह से दुआ करना अल्लाह से दुआ करते रहना नेक बनना है अल्लाह के वसल्लम ने कहा कि अल्लाह अल्लाह मिन किलाबिक अल्लाह तेरे कुत्तों में से कुत्ते को इस पर नाफिस कर दे मुसलत कर दे अबू लहब को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ पर इतना यकीन था एक सफ़र में था उसने कहा कि देखो मेरे बेटे के बारे में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बद की है कहीं उनकी बद ना नालच जाए इसलिए रात में टेंट लगाने की बारी आई सफ़र में अब जाहिर सी बात है वो पहाड़ी इलाके थे जंगलात पहाड़ी एक जगह पर पड़ाव डालना है टेंट लगाना है ताके काम करो मेरे बेटे को दरमियान में रखो इसका टेंट दरमियान में रखा जाए और सारे लोग उसके अतराफ अकनाफ में ऐसे राउंड में सर्कल में तुम लोग टेंट लगाओ ताकि कोई दरिंदा कोई जंगली जानवर आके हमला करना चाहे तो ये तो सेंटर में है ना आ नहीं पाएंगे उसको कैसे घूम घाम के आना जल्दी नहीं आ पाएगा ऐसे ही हुआ लेकिन अल्लाह का करना देखो अल्लाह कैसे दिफा करता है नबी की तरफ से एक भेड़िया आया और रात के वक्त में आके सिर्फ अबू लहब के उस बेटे को चीरा और चीर के चला गया किसी और को नुकसान नहीं पहुंचाया प्यारा नबी अलैहि वसल्लम की तरफ से अल्लाह ने कैसे इंतजाम किया देखो फिर उसके बाद अबू लहब खुद प्यारा नबी वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता था हाथ हिला हिला कर कहा तब बन लका बर्बादी हो तेरे लिए तू भी बर्बाद हो जा अल्लाह ताला ने क्या कहा कि देख तू ही बर्बाद होगा तेरा हाथ बर्बाद होगा आखिरकार सारा जिसम उसके सड़ गया और वो तड़प तड़प के मर गया कोई पुरसाने हाल नहीं हुआ माँ अग्ना अनहु मालू हुआ मा, मा, मा कसब उसके माल दौलत पे उसको घमंड था कुछ भी काम नहीं आया नबी के तोहन करने वालों को अल्लाह ताला ये अंजाम तक पहुंचाता है प्यार नबी वसल्लम के ये मक्की दौर की बात है साहब कभी कभार गुस्से में आते कहते अल्लाह के रसूल क्या हम हथियार उठा लें नबी ने कहा कि नहीं सबर करो नबी के सामने आले यासिर को मारा जा रहा पीटा जा रहा लेकिन आप सल्लाम ने क्या कहाबर करो सबर करो अभी वक्त नहीं है जैसे के तैसे वाला मामला नहीं है तो इससे हमें एक बात ये मालूम हुई कि जब प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ कुछ लोग अनाप शनाप बके इल्ज़ामات तराशे और हम उस पोजीशन में नहीं हैं कि बराबर के जैसे क्या तैसे जवाब दे सकते हैं तो अल्लाह तबरक तआला के हवाले करो अल्लाह देख लेगा हमें कानून को हाथ में लेना नहीं है कानूनी कार्रवाई करना है कानून को हाथ में नहीं लेना है रास्ते में उतरना सड़के जाम करना या लोगों को परेशान करना किसी ने गलती की सजा किसी और को देना ये इस्लाम का तरीका नहीं है जिसने गलती की सजा उसको देना है उसके बुनियाद पर किसी और को परेशान करें ये इस्लाम का तरीका नहीं है दूसरी बात पैर नबी वसल्लम ने अपनी जात के लिए तकरीबन सबको माफ़ किया है और अल्लाह के हवाले कर दिया नबी जब हिजरत करके मदीना आए तो मदीने में एक यहूदी या नसरानी इस्लाम कबूल करके आया जाहिरी तौर पर लेकिन दिल में इस्लाम नहीं था उसको लिखना पढ़ना आता था प्यार नबी वसल्लम ने उसको कातिब वही बनाया चंद दिनों के बाद मुर्तद हो गया चंद दिनों के बाद इस्लाम से फिर गया और नबी की शान में गुस्ताखी करते फिर रहा था कि ये महम्मद सल्लाम पर जो वही वही नहीं आती है यह हम लोग जो लिख कर देते वही लोगों को बताते हैं लोगों को ठग रहा है ये ठगने वाला ठगो है चंद दिनों के बाद वो मर गया और जाहिर सी बात है उनके तरीके पर कॉफिन में बंद करके दफन किया जाता है दफन करने के बाद सुबह सवेरे लोगों ने देखा कि उसकी लाश बाहर पड़ी हुई है कॉफिन में बंद करके फिर दफन किया गया फिर भी उसकी लाश बाहर पड़ी हुई थी लोगों ने इल्ज़ाम लगाया कि ये अलैहि वसल्लम के साथियों ने किया होगा जाहिर सी बात है हर जमाने में होता है पहले भी हुआ अब भी हो रहा है ये होगा दूसरे दिन और ज्यादा गहरा खोदे गड़ा खोदे उसमें दफन किए दूसरे दिन भी लोगों ने देखा कि सुबह सवेरे उसकी लाश बाहर पड़ी हुई है फिर तीसरे दिन ये इन लोगों ने जितना गहरा खोद सकते खोदे दफन किए मजबूत तरीके से फिर भी देखे कि तीसरी सुबह भी उसकी लाश बाहर पड़ी हुई है अब उनको यकीन हो चला कि अभी ये किसी इंसान की बस की बात नहीं है ये तो यकीन अल्लाह ताला ही करवा रहा है अब उसकी लाश पार पड़ी रही सड़ी गली और देखा लोगों ने कि उसके लाश को परिंदों ने नोच नोच के खाया है गुस्ताख रसूल का यह अंजाम होता है हलाकू खान जब इस्लाम कबूल नहीं किया था उसके दरबार में उसके मजहब का एक आलिम पैर नबी सल्लम की शान में गुस्ताखी कर रहा था और इबन असाकिर ने इसको सही सनत के साथ जिक्र किया है और उसके दरबार में कुत्ता बांधा हुआ था वो कुत्ता जो है गुर्राने लगा भौंकने लगा तो लोगों ने कहा कि बंद करो नबी की शान में गुस्ताखी शायद इसी वजह से कुत्ते को गुस्सा आ रहा है तो फौरन उसने उस आलिम ने कहा नहीं 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 मेरे एक्टिंग की वजह से कर रहा है ऐसा कुछ नहीं मुसलसल नबी की शान में गुस्ताखाना रविया जारी रखा वो कुत्ता आपे से बाहर हुआ रस्सी काट के आया लपका और उसका गला पकड़ा जब तक मरा नहीं कुत्ते ने छोड़ा नहीं और कोई छोड़ा नहीं सका इन न कफैना कल आई नबी आपकी इस करने वालों से हम काफी हैं हम देख लेंगे और ज्यादा दूर नहीं चंद महीने कबल या ज्यादा ज्यादा एक डेढ़ साल होगा एक साल डेढ़ साल नहीं भी होगा कि स्वीडन का वो आदमी जिसने नबी की शान में कार्टून बनाया और बड़े दुनिया में बड़ा हंगामा हुआ उसके बाद वो एकदम हाई सिक्योरिटी में फिरता था उसके साथ हमेशा चार चार बॉडीगार्ड के साथ जबरदस्त कार के साथ वो भी बुलेट प्रूफ के साथ फिरता था चंद अयाम कबल की बात है चंद महीना कबल की बात है सारी दुनिया ने देखा न्यूज में आया उसकी कार जाके टकराई किसी से और कार में आग लग गई उसकी बॉडी के साथ ये भी जल भून के राख हुआ सारी दुनिया ने देखा याद रखो मेरे भाइयों प्यार नबी अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वालों का यह अंजाम ये हशर होता है हर वक्त होता रहा और इसलिए हमें क्या करना है जब हम कमजोर हैं कानून आप हाथ में नहीं लेना कभी भी नहीं कमजोर हो या ना हो लेकिन हमें क्या करना अल्लाह के हवाले करना कानूनी कार्रवाई करना जितने हमारे बस में है सही तरीके से डिफेंस करने की कोशिश करना है गलत रवैये पे नहीं जाना क्योंकि दुश्मन जाल बिछाते हैं उस जाल में ये लोग फंसे हम अल्लाह से दुआ करेंगे अल्लाह के हवाले करेंगे और अगर इंसाफ की जगहों से इंसाफ ना मिले अल्लाह के हवाले कर देंगे अल्लाह तो अब देख ले अल्लाह देख लेगा अल्लाह देख लेगा जिन लोगों ने नबी की शान में गुस्ताखाना रविया इख्तियार किया है वो जीते जागते घुट घुट के जी रहे हैं मर रहे हैं और उनकी हालतें क्या है आए पिछले दिनों आपने भी देखा होगा कि इंडिया के एक मुसलमान ऑथर नाम निहाद मुसलमान उसका भी क्या हाल हुआ है और इसी तरह से बांग्लादेश के एक नाम निहाद खातून ऑथर वो भी कैसे